अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। तो हम भी आपकी दुआओं से ठीक हैं। और हम आए आज डाओ हॉस्पिटल, यहाँ पे कुछ टेस्ट थे वो चेक करवाने थे ओपीडी में, और मेरे हस्बैंड गए हैं अंदर ओपीडी और हम यहाँ बैठे हैं वेटिंग में। तो मौसम बड़ा ही प्यारा है, बारिश का, आज बारिश हुई तो नहीं है हमारी साइड, लेकिन कुछ इलाकों में हुई है। तो स्थाइश बैठी बबल खा रही है, यह आदत इसके पापा ने डाली है बबल खाना, है ना स्थाइश। शनाया से मिली, यानी कि शनाया के दाने काफ़ी हद से ज़्यादा बेहतर हो गए हैं, लेकिन इसके मोशन नहीं, बस जो है ना वो हो रहे कम। आज भी इसने 3 दफ़ा मोशन किए हैं, इंजेक्शन भी लगे हैं, फिर भी तो गए हैं हस्बैंड। ये है यहाँ पे इस साइड पे हम बैठे हैं। कहाँ है पापा? अच्छा, आ रहे हैं हस्बैंड जी बताने। तो वहाँ से हम उठ गए हैं क्योंकि वहाँ से आ रही थी बहुत ज़्यादा मुझे स्मेल कचरे की वजह से, तो हम यहाँ पे आ गए और हस्बैंड गए अंदर। तो शायद ही मामा यहाँ आगे चलते हैं, यहाँ पे कुछ कैटी वगैरह नज़र आ रही है, शनाया भी खुश हो रही देख के। मेरा आने का कोई प्रोग्राम नहीं था, बस अचानक से ले आए हमें। अंदर आ गए और शनाया को भी चेक करवा लेते हैं क्योंकि इसके मोशन का आ रहा है मसला, वो वाली दवाइयों से आराम नहीं आ रहा। तो हम आ गए अंदर, पर्ची बनवाई है, तो भी चलते हैं अंदर और करवाते हैं चेक। तो चेक करवा लिया हमने शनाया का भी, एक तो पोनी इसके मुंह में है और ये हैं कुछ दवाइयाँ लेकर आई हैं डॉक्टर ने शनाया की, और एक आधा टेस्ट। शनाया इधर आ जाओ, ये पकड़ना। तो अभी हम अपने फैमिली डॉक्टर को दिखाएंगे कि ये दवाइयाँ देनी चाहिए या नहीं, फिर ही लेंगे, अभी लेनी नहीं है। तो वज़न है इसका 8 किलो, कम है, ज़्यादा आना चाहिए। तो ये मैं पर्स में रख देती हूँ क्योंकि शनाया इसको फाड़ देगी और इसकी अभी लग जानी करती है। हम गए थे इस रूम में, शनाया का तो हो गया चेकअप, अभी रह गया है हस्बैंड की रिपोर्टें चेक करवानी, फिर उसके बाद हम जाएंगे घर। और ये दुपट्टा आपको नज़र आ रहा होगा, सूट अलग है और दुपट्टा फ़र्क है। हमें पता नहीं था कि हमने हॉस्पिटल आना है, तो हालत अजीब सी है। तो जहाँ हम बैठे यहाँ पे तो कोई रश भी नहीं है, सब कुछ खाली पड़ा हुआ है, इधर भी इधर भी, बस हम ही हैं 3। तो बस अभी चलते हैं थोड़ी देर में। तो जी हम आ गए हैं घर पे और बच्चे सो रहे हैं क्योंकि बच्चे थक चुके हैं, और मैं खाना बना रही हूँ और दवाइयाँ वगैरह ले ली हैं, और एक ड्रॉप मिला है शनाया को, ये ड्रॉप दिया है डॉक्टर ने ये ड्रॉप दिया है, और इसका एक कतरा पिलाना है दिन में एक ही दफ़ा, ये हड्डियों के लिए। और इसका सीरीलैग भी चेंज हो गया है। अच्छा ये देखें मौसम यहाँ पे इतना बन गया, हबस हो गई है, हवा बिल्कुल बंद है और गर्मी, धूप नहीं है लेकिन गर्मी बहुत हो गई है। एक ये ड्रॉप दिया है और दूसरी दवाई तो नहीं है,
दूसरा ये कि कुछ उसका खाना पीना जो है चेंज किया है, सीरियल राइस वाला, तीन फल वाला मैं दे रही थी लेकिन डॉक्टर ने कहा है नहीं वो नहीं देना, और वो खा भी नहीं रही थी शौक से ना, ये गंदम वाला डॉक्टर ने बोला ये वाला इसको सीरियल खिलाओ, और बिस्किट पापे नहीं देने, खिचड़ी आलू अंडा इस तरह की सागुदाना ये चीज़ें इसको देनी है। तो हस्बैंड जी को मैंगो मना है, बाकी दूसरा फल खा सकते हैं, बनाना दूसरे जितने भी हैं वो खा सकते हैं, अभी ये मैंगो नहीं खाना क्योंकि उनके मैदे में कुछ थोड़ी प्रॉब्लम है, और उनकी दवाइयाँ ये रही, उनकी सारी दवाइयाँ ये हैं, सारी इनकी दवाइयाँ, 3 महीने का कोर्स है उनका और वो ठीक हो जाएंगे। इतना अच्छा ये निपल इसका, ये जो है ना मैं इस फीडर से बहुत तंग हूँ, इस फीडर से नहीं 10 फीडर चेंज कर लिए हम लोगों ने, 10 फीडर। मसला ये हो रहा है कि कोई सा भी फीडर लेती हूँ तो ये इसको जो है ना मतलब यूँ हो जाता है, ऐसे एयर आ जाती बीच में, तो पूरी रात उठ के इसको जो है ना वो सही कर करके देना होता है, इतनी नींद ख़राब होती है हमारी भी और इसकी भी कि इस तरह क्यों हो रहा है, इतने फीडर चेंज कर लिए हैं, ऐसा पता नहीं क्यों हो रहा है, या पीती इस टाइप का है कि ये यूँ हो जाता है, ऐसे दूध गिरने शुरू हो जाता है, कपड़े के लिए हो जाते हैं, तकिए पे दूध आ जाता है सारा, तभी फिर ये सो रही थी और ये देखें फिर टेढ़ा हो गया। तो दवाइयाँ वगैरह आ गई हैं, बच्चे सो गए हैं, हस्बैंड जी चले गए हैं वापस अपनी शॉप पे। तो दूसरी बात ये थी कि जैसा कि आप लोग YouTube में देख रहे हैं और बेबो की रोशनी और खान जी की बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं, हम नहीं जानते कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि वहाँ पे क्या बातें हुई ये ज़्यादा वो बेहतर जानती हैं। अगर तो खान की गलतियाँ हैं तो कुछ गलती बेबो की भी होगी, बेबो आंटी की, तो मेरी बहन मुझसे तो नहीं ना झूठ बोलेगी जो उसने खुद कानों से सुना और आंखों से देखा, खान जी से उसका है बातचीत और उसके घर पे भी आई है, तो हो सकता है उन्होंने भी ये चीज़ नोट की हो खान जी में, तो इस वजह से उन्होंने ये बात बोली है कि खान जी में कुछ ऐसी बातें हैं जो वो गलत बोल जाती हैं, जैसा कि उनको नहीं करना चाहिए, हम एक इंसान हैं, क्रिस्टनों के बर्तनों में वो खाना नहीं खा सकती, क्यों भाई, इंसानियत कोई चीज़ नहीं मायने रखती क्या उनके लिए, इंसान तो है ना हम, तो ये बात मुझे भी सही नहीं लगी और ये बात सही है भी नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ये उनकी एक छोटी सोच है, ये समझो उनका वहम है और वहम का कोई इलाज नहीं है, वो पानी की बोतल तो 24 घंटे साथ रखती हैं, सोनिया गोपालों के घर पे वो जब भी जाती थीं सुबह फर्स्ट टाइम ही उनके घर में पहुंच जाती थी वीडियो के लिए, सिर्फ उनको फेम हासिल करना था, सब्सक्राइबर बढ़ाने थे, चैनल जो है वो मोनेटाइज वगैरह उन्होंने करवाना था अपना, वो सब कुछ हो गया रोज़ जाने से उनके घर पे, अच्छा नहीं लगता, एक दिन बंदा बर्दाश्त कर लेता, 2 दिन 3 दिन वो डेली उनके घर पे रोज़ जाती थी बकायदा, एक सुबह का व्लॉग, एक शाम का, एक सुबह का, एक आधी रात को भी पहुंची होती थी उनके घर पे खान जी जो है। तो मैं विश भी बोलती थी कि रोज़ जाना अच्छी बात तो नहीं है, मैं खुद उसको बोलती कि रोज़ वहाँ पे चली जाती, कि अब उनको अच्छा लगता होगा सोने गोपाल को, वो भी जहर सी बात है, इंसान अपने घर में किस तरह कुछ फैमिली की होती हैं घरेलू बातें होती हैं, तो ये उनके घर पे बैठी होती थी बेड के ऊपर, तो जब वो खाना पसंद नहीं करती, पानी नहीं पी सकती उनके गिलास में, तो उनके बेड पे लेट कैसे जाती है वीडियो के लिए, और गले भी मिल रही होती है सोनिया के। तो अब तो खैर सारी बातें खुल के दुनिया के सामने आ गई हैं कि सही कौन है और गलत कौन है, आप भी फैसला करें, आप भी देखें, बेबो की रोशनी की भी देख लें ब्लॉग और खान जी की भी ब्लॉग देख लें, क्या वो सही बोल रही हैं फिर खान जी सही बोल रही हैं। तो मैं तो ये कहूँगी अगर गलतियाँ खान जी में हैं और 10-20 उनकी भी थोड़ी होंगी, ऐसा नहीं कि उनकी भी ना हो, अगर 2-4 बातें खान ने की होंगी बेबो की रोशनी से तो 1-2 उन्होंने भी बोली होंगी। तो आज की मेरी वीडियो बस यहीं तक की थी, तो बस मैं इतना ये कहना चाहती हूँ कि आप कभी भी किसी से भी
इस तरह की पर्सनल बातें ना करेंगे, बहुत गलत बात होती है किसी की पर्सनल लाइफ। इधर से सुने और इधर से निकालें। अगर कोई इंसान आपको बता रहा है कुछ, अपने दिल की बात बता रहा है, तो वो कुछ अपना समझ के बता रहा है। अब आपका ये तो नहीं कि अगर उसने आपको बता दिया, आप किसी तीसरे बंदे को बता दो कि इसने मुझे ऐसा बताया। तो आज की मेरा बस ब्लॉग यहीं तक का था। यूँ ही आपने मेरे चैनल को करना सब्सक्राइब। एक तो मक्खियाँ इतनी आ रही, मक्खियों का मौसम है, तो मेरी वीडियो को करना है लाइक। और मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।